है पहला घर लेना हर एक का सपना, और इसी सपने को हकीकत में तब्दील करने में हम आपकी मदद करते हैं। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको लेके आई हूँ बहुत ही प्राइम लोकेशन में। सबसे पहले आ जाती है दोस्तों लोकेशन की बात। अगर लोकेशन देखिए तो लोकेशन रहने वाली है अपनी मोहाली नियर खरड़, खरड़ बस स्टैंड से ये रहने वाला है सिर्फ आपका 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और ये अपना आ जाता है लुधियाना हाईवे। जी हाँ, अपना ये लुधियाना हाईवे पे प्रोजेक्ट है। हाईवे से ये रहने वाला है अपना 200 मीटर के डिस्टेंस पे। अपना देख सकते हैं उस साइड को, आप देख सकते हैं अपने हाई राइज टावर भी बने हैं। ये ऑरा एवेन्यू है, बस हमारा जो है ओमेगा सिटी के ऑपोजिट साइड ही आपको ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है। प्रॉपर गेटेड सोसाइटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर हम रोड की बात करें तो जो ये रोड रहने वाली है ये 30 फीट रहने वाली है, एमसी अप्रूव ये एरिया है। लोन फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आपको नियर बाय यहाँ पे कॉलेजेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये अपना कॉलेज का बैक साइड है, ये देख सकते हैं। इसी के बैक साइड में आपको मिलने वाला है माइंट्री स्कूल। अगर छोटे बच्चे हैं तो स्कूल भी नजदीक है, अगर कॉलेज में या बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं तो कॉलेज भी नजदीक है। बात आती है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी यहाँ से रहने वाली है अपनी 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मिलने वाली है आपको लुधियाना हाईवे पे। कुराली हाईवे पे आपको द्वावा कॉलेज एंड रियात भारा यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब ये है कि ये शहर के बीचों बीच रहने के लिए एक परफेक्ट जगह है। नियर बाय आपको डेली नीड्स की शॉप मिलने वाली है और अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलने वाले हैं। और इस सोसाइटी की बात करें आपको यहाँ पे 2 पार्क आपको मिलने वाले हैं। एक तो आपको फ्रंट में मिलने वाला है गेट के साथ, और एक अपना जो है यहाँ पे अभी चल रहा है काम, तो यहाँ पे आपको पार्क भी मिलने वाला है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 112 गज का इंडिपेंडेंट हाउसेस, जिसका फ्रंट रहने वाला है 21.5 और इसकी जो लेंथ रहने वाली है वो रहने वाली है 48 फीट। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, ये आपको जो ईंटें दिख रही होगी यहाँ पे, ये अपना है कंक्रीट ACC की No. 1 ईंट, ये हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपके घर में जो है सीलन नहीं आती है। इसी के साथ ही हम अगर उस साइड को देखें तो वो अपनी लक्ष्मी की 1 नंबर ईंट, वो भी हम यूज कर रहे हैं, और अंबुजा सीमेंट यूज करते हैं। और इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखें तो ये रहने वाला है अपना क्रैशर रेता। तो आइए आप देख सकते हैं जिस तरह से ये अभी बन रहा है, अभी इसमें जो है ऊपर लेंटर का काम अभी चल रहा है, अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, अभी लेंटर भी पड़ जाएगा इसमें। तो आइए इसी के साथ ही मैं आपको पहले इसमें दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने स्पेस क्या रहता है वो सारी चीजें। तो आइए, तो हम चलते हैं ये वाली रोड। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर आपको अपना गेट लगेगा। जैसे कि मैक्सिमम क्या होता है कि हम अंडर कंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंट हाउसेज इसलिए दिखाते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि हम कौन सा मटेरियल वगैरह यूज करें। जिन्होंने मेरी रेडी टू मूव कोठी देखी उनको आइडिया हो जाएगा किस तरह से हम यहाँ पे वर्क करके देते हैं आपका इंटीरियर का हो या एक्सटीरियर का। प्रॉपर आपको इसका फ्रंट एलिवेशन भी मैं आपको बता दूंगी किस तरह से रहने वाला है, और प्रॉपर आपकी टाइल वर्क रहती है। इसी के साथ इस साइड को देखें तो यहाँ पे मिलने वाला है आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जहाँ पे आप अपना 2-व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। और इसी के साथ ही इस साइड को ये आपकी कार पार्किंग आती है, जहाँ पे आप अपना इजीली SUV हो या सिडान कार हो या कोई स्पोर्ट्स कार हो वो आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे अगर आप इस साइड को देख रहे होगे तो यहाँ पे हमने एक कोठी को अच्छी लुक देने के लिए यहाँ पे डिजाइन करा है, अभी इसमें वुडन का डिजाइन पड़ना बाकी है। और अगर आप इस साइड को देख रहे होगे तो यहाँ से जो अपनी फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर जाती है। ये एक्चुअली क्या है, ये हम जो है 3 BHK हाउसेस बना रहे हैं, जिसमें 2 BHK अपना ग्राउंड फ्लोर में रहेगा, 1 BHK आपका फर्स्ट फ्लोर में रहेगा। रेंटल इनकम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसी के साथ आइए, तो ये अपनी आ जाती है चौगाठी। तो ये चौगाठ जो है हम प्री पेंटेड ग्रेनाइट शीट यूज कर रहे हैं, इसमें ना ही जंग लगता है ना ही कोई दिमाग लगती है, और सागवान की हम जो है यहाँ पे डोर यूज करेंगे। तो ये अपना आ जाता है लिविंग एरिया की बात करें स्पेस की, मैं पहले स्पेस दिखाती हूँ आपको। स्पेस काफी ज्यादा है इसका, जो स्पेस रहने वाला है, साइज रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका 10 बाय 20 का बहुत बड़ा साइज होता है, जहाँ पे आप कॉर्नर अपने काउच प्लेस कर सकते हैं इजीली, और विद टेबल प्लेस कर सकते हैं 4 to 5 सीटर। और इसी के साथ ही अगर आप इस साइड को देखें तो यहाँ पे आपको एल शेप में जो है विंडो मिलने वाली है प्रॉपर। एक साइड आपको नेट विंडो मिलेगी और दूसरी साइड आपको ग्लास विंडो, ताकि अगर आपको एयर लेनी हो तो आप इजीली जो है
नेट विंडो ओपन कर सकते हैं। और ये वाली वॉल देख सकते हैं, यहाँ तक हमने जो है इसमें एसीसी की कंक्रीट ब्रिक्स यूज करी है ताकि आपको सीलन ना आए, क्योंकि जब भी सीलन उठती है तो नीचे से ऊपर उठती है। अगर आप इस साइड को देखें तो ये आपको जो दिख रहा होगा नीचे, ये हम जो है फ्लाई ऐश यूज कर रहे हैं। फ्लाई ऐश हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें सीलन नहीं आती है। इसी के फ्रंट में यहाँ पे आपको एलसीडी पैनल प्रॉपर मिलेगा। और इसी के साथ अगर ऊपर मतलब ऊपर डाउन सीलिंग वगैरह आपको प्रॉपर करवा के देंगे, दिया जाता है अपना किचन एरिया। किचन एरिया की साइज की बात करें 8x10 का आपका किचन एरिया है। प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलने वाली है, प्रॉपर आपको कवर्स वगैरह फुल हाइट तक रहने वाला है। वैसे देता नहीं है कोई, पर हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक आपको चॉइस रहती है अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में कि आप अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है किचन का माइका भी आप लगा सकते हैं, और वॉलपेपर के चॉइसेस भी, और आपको टाइल के भी चॉइसेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये अपना आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। अगर इस बेडरूम की बात करें तो ये रहने वाला है 10x14 का आपका बेडरूम रहने वाला है। प्रॉपर आप 10x14 का बहुत बड़ा बेडरूम हो जाता है। यहाँ पे आप इजीली अपना जो है बेड प्लेस कर सकते हैं। और इसी के साथ इसी के फ्रंट में आपको एलसीडी पैनल रहेगा, और कबर्ड्स आपका ये वाली वॉल पे प्रॉपर फुल हाइट तक आपको कबर्ड रहने वाले हैं। अगर आपके बेड भी अगर प्लेस करते हो आप, उसके बावजूद भी काफी स्पेस रहता है जहाँ पे आप अपने बोथ साइड साइड टेबल आप लगा सकते हैं। इसी के साथ ही ये वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो। आइए मैं दिखाती हूँ आपको अटैच वॉशरूम। 5x6 का ये वॉशरूम रहने वाला है, ये देख सकते हैं प्रॉपर आपको मिलने वाला है। ये देखिए, तो यहाँ पे जो भी हम बाथ फिटिंग प्रोवाइड करवाएंगे, सेरा ब्रांड की बाथ फिटिंग प्रोवाइड करवाएंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन आपको यहाँ पे, और आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे हम आपको प्रॉपर जो है डाउन सीलिंग करवा के देंगे आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेते हैं, अगर आप रेडी टू मूव घर लेते हैं, वो ऑलरेडी जो है बना बनाया होता है, तो उसमें चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं रहते। ये हमने करा है हॉल एंड बेडरूम का कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया, ताकि अगर आपके गेस्ट आते हैं वो बेडरूम में इजीली सो सकते हैं, और आप हॉल में, और हॉल वाले भी आप इस को जो है यूज कर सकते हैं। ये अपना जो है 5x6 का ये वॉशरूम साइज रहने वाला है, सेम एज इट इज आपको बाथ फिटिंग सेरा ब्रांड की प्रोवाइड करवाएंगे। गीजर शावर के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लगवा के दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं अब मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज थोड़ा बड़ा है, ये 10x15 में आपका मास्टर बेडरूम बना है। यहाँ पे भी सेम एज इट इज आप अपना जो है बेड प्लेस कर सकते हैं। बेड के बैक में आप वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाने जैसे आजकल आ रहे हैं 3D पेंट्स, वो भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आप उस साइड की बात करें तो वहां पे आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं कवर्स, फुल हाइट तक कवर्स रहने वाले, जिसमें आपको क्लोथ्स के लिए, अगर शूज रैक के लिए भी प्रोविजन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इस साइड को देखिए तो ये आ जाता है अपना वॉशिंग एरिया, ये देख सकते हैं वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, प्रॉपर आपको यहाँ पे वेंटिलेशन आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी इसका लेंटर पड़ने वाला है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और क्या कहते हैं ऊपर जो है अपना 1BHK रहने वाला है, तो जब ये प्रॉपर ऊपर वाला फ्लोर भी बनेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी इसकी वीडियो की कितना काम हो रखा है। तो अभी लेंटर की तैयारियां कर रहे हैं। और ये था हमारा 112 गज के दो हाउसेस यहाँ पे हम अभी बना रहे हैं। और अगर आप भी हमसे बनाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट हाउसेस, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, या फिर अगर आप खरड़ में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हमसे। जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो रहने वाली है 1800 पर स्क्वायर फीट विद मटेरियल। और हम जो है कंस्ट्रक्शन विद एग्रीमेंट करते हैं, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कितने टाइम पीरियड में हम आपको घर हैंड ओवर करके दे रहे हैं, और कौन से मटेरियल वगैरह हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन है। अगर आप चाह रहे हैं रेडी टू मूव घर लेना, तो आप रेडी टू मूव भी घर ले सकते हैं। हमारे पास कम से कम बजट में घर अवेलेबल है, 8 लाख से स्टार्ट है अपने पास। अगर आपको विद ज़मीन चाहिए या प्लॉट्स वगैरह कुछ भी किसी चीज़ की भी क्वेरी हो, तो आप हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं दोनों घर 112 गज की है। प्रॉपर अभी ये वाला एरिया थोड़ा डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे रेंटल इनकम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप रेंट की बात करते हैं 1BHK का, तो यहाँ पे आ जाता है इजीली 8 से 10 हज़ार रेंट। तो ये था हमारा 112 गज की वीडियो, बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। इसी के
यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।